অঙ্কের হয়ে গেল তবে এই বছর শ্রীরাম Bye.
मनोरम
ಕನಕ ಕೋಟು ವಿಚಿತ್ರವನಿಗಿದ್ದ ಸುಂದರಾಯತನಾಗಣ ಸುಂದರಾಯತನಾಗಣ ಪಾತಿ ಸುಂದರನಣ್ಣಿಯರು ಆರ್ ಉಸ್ಕೆ ಪೂರ ಭಾಗ ಮೇ ಏಕ್ ಉಪಮನ್ ಹೈ ಫುಲ್ವಾರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಜಿಸ್ಕಾ ನಾಮ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕಾ ಔರ್ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕಾ ಕೆ ಮಧ್ಯ ಮೇ ಏಕ್ ಅಶೋಕ ಕಾ ವಿಶಾಲ ವೃಕ್ಷ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ನೀಚೆ ಚೌತರಾ ಹೈ ಔರ್ ಚೌತರಾ ಪರ್ ಮಾ ಜಾನಕಿ ನಿಜ ಮನ ಗಾಯ ನದಿಯ ಮನ ರಾಮ ಪದ ಕಮಲ ಲೀನ ಪರಮ ದುಃಖೀ ಭಾವ ಪವನ ಸುಖ ದೇಹಿ ಜಾನಕಿ ದೀನ ಪರಮಾಶ್ರಮ ಸೆ ಬೈಠಿ ಹೈ ಮಾ ಜಾನಕಿ ನಿಜ ಪದ ನಯ ನದಿಯ ಮನ ರಾಮ ಪದ ಕಮಲ ಲೀನ ಮಾ ಜಾನಕಿ ಕಿ ಆಂಖೆ ಕಹಾ ಹೈ ಅಪನೆ ಚರಣ ಔರ್ ಧ್ಯಾನ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ರಾಮ ಜೀ ಕೆ ಚರಣೋ ಕಾ ಕ್ಯೂ कि जो भगवान श्री राम के चरणों में रेखा है दहने में वो सभी रेखाएं मां जानकी के बाएं पैर के तलवे में है तो अपने चरणों का ध्यान कर रही है तलवा का निज पद नयन दिए मन निज पद नयन दिए मन कहा है राम पद कमल भगवान के चरणों में लगा हुआ है और हनुमान जी पहुंचते हैं हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और चलने के पहले मां का आशीर्वाद दिया और कहा कि मां क्योंकि एक बार मुलाकात हो चुकी है जब आप उठे दिए थे तो अब तो जब आए थे कम मुलाकात हुई थी और अब जा रहे हैं तो हनुमान जी ने कहा कि मां तुम्हारी दीजिए जी ना श्री राम जय राम जय जय राम मां को मोहित दीजे कछु चीना जैसे रघुनाय को मोहित दिया मां आप भी कुछ मुझे निशानी दे दो जो मैं भगवान को दू और उन्हें प्रतीत हो जाए विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल कर क्या कुछ भी दीजिए लेकिन अगले अधारी में सौगान होकर हनुमान जी बोले मां कुछ भी देगा लेकिन वो चीज कैसा हो जैसे रघुनाथ एक मोहिनी ना इसमें बड़ा भारी अर्थ है मैं आपको बताऊंगा तो जैसे रघुनाथ मोहिनी ना तो मां जानकी ने चिंतन किया कि मुझे प्रभु ने रुचि भेजी है तो चूड़ामणि क्यों चिंतन किया कि समकक्षी हनुमान जी ने कहा है कि समकक्षी होनी चाहिए सेम पावर की होनी चाहिए एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए तुलनात्मक ढंग से एक होना चाहिए तो मां ने चूड़ामणि उतार चूड़ामणि उतार तब दयऊ हर कृष्ण एक पवन सुत लयऊ चूड़ामणि आप सुनते हैं ना हमने पहले आपको बताया है हमारे यहां एक होता है मांग की खा यहां लड़का होता है मांग की खा और राजस्थानी परिवार में या राज परिवार में वो बोरला उसको बोलते हैं बोरला इतना बड़ा यहां होता लड़का हुआ उसको बोलते हैं चूड़ामणि तो चूड़ामणि उतार करके मां ने कहा कि ये लोग ले जाओ इससे तुम्हारे राम को विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिलकर के आए ये रामायण की रचना हो रही थी संवाद हो रहा था गोस्वामी जी का एक श्रोता बैठा था और उस श्रोता ने कहा कि महाराज थोड़ी सी शंका हो गई है बोले क्या हुआ बोले चूड़ामणि सुहाग था सो सीता क्यों नहीं ब्रह्मचारी हनुमान थे सो सुहाग चूड़े चूड़ामणि ही चूड़िया एक बात और दूसरी बात कि सुहाग का चिन्ह है वो सुहाग वती स्त्रियां ही उसको पहनती हैं सिंदूर का प्रतिरूप है वो सिंदूर जैसे सुहागिन स्त्रियां मांग धारण करती हैं
और उसी का प्रतिरूप ये चूड़ामणि या मां टीका कहते हैं। तो जो सुहाग को सुहाग का मालिक तो उसका पति होता है, अपना सुहाग चिन्ह हनुमान जी को क्यों दिया? अच्छा मान लो कि आरत के की तरह ही न जेतू बार बार कर आपन हेतु आरत जो होता दुखी वो कभी कभी विवेक शून्य हो जाता है। आरत के चित्त रहे न चेतु चित्ता नहीं रहती। तो सीता जी दुखी थी, उन्होंने दे भी दिया, लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है, उन्होंने स्थिति को क्यों संभाला, उन्होंने क्यों ले लिया? ब्रह्मचारी हनुमान थे सो सुहाग के हुए, ये मूल प्रश्न है। गुरुशाम जी ने कहा कि सुनो भाई कितना टाइम है तुम्हारे पास? बोले 5-6 दिन है। बोले सुनो फिर आराम से, अब तुम लोग मेरे सुबह कोशिश करूंगा कि बहुत समझा करके आपको बताऊं। चूड़ामणि क्यों दिया? हनुमान जी ने कलिचा रंगी कि जैसे रघुराया तुम्हारे बीना, मुझे दो कुछ आप जरूर, लेकिन वो अब उचित चक्कर की होनी चाहिए। और सज्जनों पता नहीं मां के पास और आभूषण थे कि नहीं थे, गले की हार भी लिया जा सकता था और भी चीजें कोई आभूषण तो दिया जा सकता था, लेकिन ये जो चूड़ामणि है ना और वो अंगूठी है, ये सुनार के द्वारा बनाया नहीं है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ा बढ़िया प्रसंग है, चिंतन वाला है, और दिन के बाद मैं कहने जा रहा हूं। तो सबकक्षी जो है एक चक्कर की अष्ट सिद्धि नाम निधि से युक्त रामायण में केवल चार चीजें हैं। चार चीजें हैं, पहला है जनकपुर का धनुष और दूसरा है अंगूठी और तीसरा है चूड़ामणि और चौथा है आपका बाण। अभी उदाहरण देते हैं ना, ये ले लो राम बाण है, ये राम बाण का चुपता नहीं। अभी देखिए चारों चीजों में ये सब फैक्चुअल है, चारों चीज जैसे कि धनुष वो बड़ा होता है, छोटा होता है, भारी होता है, हल्का होता है, ये सब रमन में लिखा हुआ है, बताएंगे आप। और जो अंगूठी है वो प्रकट भी होती है, गायब भी होती है, छोटी भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है, भला सब आभूषणों में ये चमत्कार क्यों है? और जो चूड़ामणि है, दुनिया के जितने भी आभूषण है हम लोग जो पहनते हैं, धीरे धीरे वो उसका वजन एक एक दो दो चावल के बराबर नत्ती के बराबर कम होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन ये चूड़ामणि ये घटता नहीं, रोज 6 मसा यह सोना देता है। कहां से आया ये अभी मैं आपको बताऊंगा। और भगवान श्री राम का बाण कहते हैं कि चार चीजें वापस नहीं आती, मिटा हुआ अज्ञान फिर वापस नहीं आता, जो ज्ञान हो जाता है तो फिर अज्ञान की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, मोसर देते हुई बात वापस नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्यों ने ऋषियों ने कहा है कि बोलने के पहले आप सोचो, अपने वाणी को बोलने के पहले सोचिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका असर क्या होता है। वाणी रूपी बाण, वाणी रूपी शस्त्र का ऐसा घाव होता है जिसका भंडारण मुश्किल होता है।
तो मुख से निकली हुई बात वापस नहीं आती, मीठा हुआ ज्ञान वापस नहीं आता, और हाथ से बीता हुआ उम्र वापस नहीं आता। हमारे यहां कहते हैं गई चवनिया फिरना लग से चाहे दूध बगीरा काटे, चाहे झराम चाले खाते रहे, जितना भी माल पानी खाते रहे, डॉक्टरों को ने मना किया फिर भी, लेकिन वो चीज फिर वापस नहीं आएगी जो प्रकृति ने दिया है, जो नेचर ने दिया, जो प्रकृति ने दिया। तो बीता हुआ उम्र, मुख से निकली हुई बात, मीठा हुआ ज्ञान और हाथ से निकला हुआ बाण, और बाण वापस नहीं आता, लेकिन राम के बाण युद्ध क्षेत्र में अपना काम करके फिर वापस आते हैं। और बाण का लक्ष्य एक ही होता है, आप अगर ऐसे मारेंगे ना तो ऐसे जाएंगे, बीच मारोगे तो बीच में डाउन, तो जिस तरह से आप निशाना देंगे उसी क्षेत्र को जाएगा। लेकिन राम का बाण जो है ऊपर भी जा रहा है, नीचे आकर के काम कर रहा है, और फिर उसके बाद में हाथ से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, लेकिन राम के तीर वापस आते हैं। राम के बाण प्रजन्म होते हैं और राम के बाण गायब हो जाते हैं। पूरे सभा में रावण के दरबार में आकर के राम के बाणों ने काम किया, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। ये सब रमन की चौपाइयों में है, किससे कहानी भी अपने नहीं। और क्या क्या बता रहे हैं? नहीं नहीं, कौन कितने नंबर पर चल रहा है? मुश्किल है। पहला धनुष, दूसरी केवल क्या अंगूठी। अंगूठी की खबर बताई कि ये बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है, ये सब रवनवली का है। और तीसरा चूड़ामणि सुंदरकांड, और लंका कांड में राम के बाण के चमत्कार है। ये चार छोड़े समकक्षी हैं, मजबूरी है कि हनुमान ने माना कि जैसे रघुनाथ को है मिला मात मोह दीजिए कचुची ना, लेकिन वो कैसा हो जैसे रघुनाथ को है मिला। तो रघुनायक राम जी ने भेजी थी अंगूठी, और अंगूठी का चक्कर का सीता मां के पास केवल सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। बहुत लोग नहीं है, लेकिन जितने लोग भी हैं मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि रामायण के जिज्ञास, और जब बोलते रहोगे तो हम समझेंगे कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। हाँ, हमारी तरफ देखते हुए सुनते हुए भी पता नहीं करे कहां कहां भ्रमण कर लेता है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा। जय राम, जय राम। अब एक एक करके आप सुनिए इनका चमत्कार। सबसे रामायण में प्रसंग आता है पहला, अभी हम एक चौपाई के पक्ष पर हैं कि जैसे रघुनायक मोह लिया, चूड़ामणि ही क्यों लिया। हमने बताया कि चार चीज चमत्कार है, और चार में पहला नंबर किसका है बोलो? ये नंबर चाहिए ना, मार्क्स चाहिए तो बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए कंसेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तुम इधर आयो ना, इधर आयो सामने, तुमको बोल रहे हैं नीचे में बैठे हो, इधर आ जाओ। देखो उस बड़ा फर्क पड़ता कि आप कहां बैठे हैं, अगर आप सामने बैठे तो इधर सीधे पड़ेंगे, और इधर बच जाए इधर बच जाए तो नजर बोलो नाम टेढ़ी पड़ेगी, और टेढ़ी नजर नजर ऊपर हुई तो दुआ बन गई, नजर नीचे हुई तो हया बन गई शर्म, और नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, नजर छेड़ी हुई तो कदा बस गई। कहा बैठना है सुनो, गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नयन चको, ये भी तरीका है।
कि आप कहां बैठ करके क्या क्रिया करेंगे। मुद्रा बैठा छोड़िए, जहां बैठना वहां बैठो। हम भी ट्रैफिक पुलिस की तरह कभी इधर कभी इधर देखते हैं, कोई बात नहीं। एक प्रश्न, राम जी ने अंगी को दे दी थी केवल गोली, दूसरी अंगी कहां से आई? फिकर मत करो, वो भी दूंगा। इस विषय में जितने भी आप लोगों के प्रश्न हो,